हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 4.0 की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम वाउचर को देख के कैसे पता लगाएंगे कि इस वाउचर की एंट्री हमारे टेली सॉफ्टवेयर में कौन से वाउचर में होनी है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट हमें आते रहते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी बात को रहता है कि हमें इस वाउचर को देख के कैसे पहचान करते हैं कि वाउचर की एंट्री हमें कहाँ करनी है। और विशेषकर उनके सामने इस प्रकार की दिक्कत तब आती है जब वो किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट के रूप में अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं और वहाँ पर उनसे वाउचर को दिखा के अगर ये बात पूछी जाए भी आप इस वाउचर की जो एंट्री हमें टेली सॉफ्टवेयर में करके बताओ, या फिर ये बात पूछ लीजिए भी ये जो वाउचर है इस वाउचर की एंट्री हमारे टेली सॉफ्टवेयर में कौन से वाउचर में होनी है। तो काफ़ी सारे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने जस्ट टेली सॉफ्टवेयर को सीख के जॉब के लिए अप्लाई किया है, उनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं भी हमें वाउचर की एंट्री टेली सॉफ्टवेयर में परचेज में करनी है या फिर सेल में करनी है, पेमेंट में करनी है, रिसिप्ट में करनी है, क्रेडिट नोट है या फिर डेबिट नोट है। तो अगर आपके सामने भी इसी टाइप का अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है, वाउचर देखते ही आप कन्फ्यूज हो जाते हो, तो आज की इस क्लास को आप पूरा एंड तक देख लेना। हम आपको ये सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे भी आपको वाउचर को देखते ही तुरंत कैसे समझना है भी इस एंट्री हमारी जो कौन से वाउचर में होनी है। सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकल और लाइव रहेगा, बस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम बहुत ही ज़्यादा डीपली के साथ समझने वाले हैं। अब मान लीजिए आपके सामने ये टेली सॉफ्टवेयर ओपन है, ठीक है, हम इसको दो प्रैक्टिकल वाउचर के साथ समझते हैं। अब मेरे पास एक वाउचर ये भी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस, और एक मेरे पास ये भी इनवॉइस है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस। तो सबसे पहला आपको मैं एक बात बता दूं, वाउचर के ऊपर ये कहीं नहीं लिखा होगा ये आपका परचेज है या फिर सेल है। वाउचर होगा तो उसके ऊपर यह तो आपको लिखा होगा यहाँ पर टैक्स इनवॉइस, या लिखा होगा क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट, या फिर अगर वो हमारी कैश की रिसिप्ट है तो वहां पर लिखा होगा कैश रिसिप्ट। परचेज सेल या फिर क्रेडिट, मतलब ये परचेज रिटर्न में या सेल रिटर्न में हो सकता है, ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। विशेषकर आपको ये परचेज सेल का ऑप्शन कहीं किसी भी वाउचर के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि ये दोनों वाउचर अलग अलग है, ठीक है। आप इसके ऊपर भी टैक्स इनवॉइस और इसके ऊपर भी टैक्स इनवॉइस। अब यहां तक बात आ गई टैक्स इनवॉइस की, तो अब हमें दोनों वाउचर, मान लीजिए इसी वाउचर को देख के आपको जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसने आपको ये वाउचर दिया और उसने क्या किया भी आपके सामने ये टेली सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया, आप हमें बताओ इस वाउचर की जो एंट्री है ये कौन से वाउचर में होनी है। तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको बात किस बात का ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है भी जो टेली सॉफ्टवेयर ओपन है और उसके अंदर कंपनी कौन सी ओपन है। अब यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का नाम आपको यहाँ से पता चल जाएगा जो प्रेजेंट टाइम के अंदर कंपनी ओपन होती है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है RCM, ठीक है, और वाउचर आपको कौन सा दे रहा है, ये वाला। अब आपको सबसे पहले तो इस बात का ध्यान में रखना है भी यहाँ पर हेडिंग में या फिर इस कस्टमर के नेम में, इन दोनों में से एक जगह RCM का नाम लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। अब न तो इसके हेडिंग में है और न इसके कस्टमर नेम में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाउचर की जो एंट्री है ये इस टेली सॉफ्टवेयर में होगी नहीं, यानी कि ये जो प्रेजेंट टाइम में जो कंपनी ओपन है ना, इस कंपनी के अंदर इस वाउचर की एंट्री किसी कीमत पर नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, हम अब चलते हैं दूसरे कंपनी की तरफ। अब मेरे पास एक कंपनी और भी ओपन, अब इस कंपनी की अगर हम बात करें तो मेरे पास कौन सी कंपनी ओपन है, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, और हम इस वाउचर को ओपन करते हैं। अब इस वाउचर की अगर हम हेडिंग देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, विजय ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी यहां पर नहीं है। तो अब हम चलते हैं बिल टू या कस्टमर नेम हो सकता है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि इन दोनों नाम में से एक नाम आपका उस कंपनी के साथ जरूर मैच होना चाहिए जो कंपनी टेली सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट टाइम के अंदर ओपन है। तो अब यानी कि हमारी कंपनी कौन सी है, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी कंपनी खुद की है और अब हमारी कंपनी का जो नाम है वो इस टैक्स इनवॉइस के अंदर कस्टमर नेम की जगह आ रहा है,
तो अब इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है भी इस कंपनी ने यानी कि विजय ट्रेडिंग कंपनी ने हमारे को प्रोडक्ट है जो सेल की, यानी कि हमने विजय ट्रेडिंग कंपनी से गुड्स है जो परचेज किया हुआ है। हालांकि ये टैक्स इनवॉइस किसका है? विजय ट्रेडिंग कंपनी का, ठीक है। यानी कि विजय ट्रेडिंग कंपनी ने स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को ये जो प्रोडक्ट है ये सेल किए हैं। अब स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी किसकी है? हमारी है। तो अब इसका मतलब सीधा सीधा क्या मतलब बनेगा कि हम इस वाउचर की एंट्री इस स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के अंदर वाउचर में जाएंगे और परचेज वाउचर में इसकी है एंट्री आराम से कर देंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते अब उस कम वाउचर के ऊपर आपका नाम होना जरूरी है। अब मान लीजिए हमारे पास जो कंपनी ओपन है वो कंपनी मान लीजिए स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की जगह अगर यहां पर होता विजय ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि अब सपोज करते हैं अभी स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, अब ये विजय ट्रेडिंग कंपनी बन चुका है और ये विजय ट्रेडिंग कंपनी बन चुका है और वाउचर पे हम चलते हैं, तो अब विजय ट्रेडिंग कंपनी का भी नाम हमारे अब हेडिंग पे है और हमारे बिलिंग किसको हो रही है? स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को, और हमारे प्रेजेंट टाइम में सॉफ्टवेयर के अंदर खुला हुआ है विजय ट्रेडिंग कंपनी का, यानी कि इस कंपनी ने इसको गुड सेल किया है। तो अब जाहिर सी बात अब हमारी इस कंडीशन के अंदर क्या हो गया, इस विजय ट्रेडिंग कंपनी के अंदर ये सेल वाउचर के अंदर एंट्री होगी। अब हम चलते हैं दो नंबर वाउचर पे। अब हमारे पास ये है, अब यहां देख सकते हैं अब इस वाउचर की अगर हम एंट्री की बात करें तो यहां देख सकते हो हेडिंग के अंदर स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का नाम है और जो हमारा कंसाइनी है यानी कि जो हमारा कस्टमर है वो कौन है? सुरेश ट्रेडिंग कंपनी। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, मान लीजिए अब इन दोनों में से आपकी कंपनी है जो ओपन होनी चाहिए, अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है जो ओपन है और इनवॉइस का अगर हम देखें तो इनवॉइस क्या है? टैक्स इनवॉइस है, यानी कि ये प्रोडक्ट सेल हुआ है। एक बात तो तय है भी टैक्स इनवॉइस है तो प्रोडक्ट सेल हुआ है, किया किसने किया किसको है? हम आगे चलते हैं, यानी कि स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का जो भी हमारा सेलर होता है यानी कि जिसकी कंपनी होती है जिसकी दुकान होती है उसका नाम हमेशा हेडिंग पे होता है। अब इसका मतलब बन गया कि स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी ने सुरेश ट्रेडिंग कंपनी को गुड्स है जो सेल किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की अगर बात करें तो अगर आपकी कंपनी के टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जान जो प्रेजेंट टाइम के अंदर स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी ओपन है तो हम इसकी वाउचर की एंट्री अब हम सेल वाउचर में करने वाले हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं भी यहां पर स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की जगह अगर यहां पर होता सुरेश ट्रेडिंग कंपनी और ये वाउचर हमारे को दे दे ये वाला, तो सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। तो अभी ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा भी, सुरेश ट्रेडिंग कंपनी ने स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी से प्रोडक्ट है जो परचेज किए हैं, तो परचेज करेंगे तो सुरेश ट्रेडिंग कंपनी हमारी कंपनी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे वाउचर में जाएंगे और परचेज वाउचर के अंदर इसकी एंट्री करेंगे और जो हमारा पार्टी अकाउंट के अंदर नेम रहेगा वो हमारा आ जाएगा स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। हमारी खुद की कंपनी सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, तो अगर आपकी कंपनी सुरेश ट्रेडिंग कंपनी है तो आपको सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम से कोई भी लेजर क्रिएट है जो नहीं करना है। अगर आपकी कंपनी स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका ये सेल वाउचर बन रहे हैं और सेल के लिए एफ हेड यूज करेंगे, तो यहां पर उस कंडीशन के अंदर आपको पार्टी नेम के अंदर यहां पर आपको सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये आपके लिए कस्टमर बन चुके हैं, तो हमें वाउचर को देखते सबसे पहले आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सबसे पहले तो आपको वो कंपनी देखनी है भी जो कंपनी जो वाउचर आपको दिया जा रहा है उनमें से सेलर या फिर बायर यानी कि या जो बेचने वाला हो या वो खरीदने वाला हो इन दोनों में से कोई भी एक नाम आपकी इस कंपनी के अंदर होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम बात करें इस वाउचर की स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी और खरीदने वाला सुरेश ट्रेडिंग कंपनी और आपके सामने कंपनी है आरसीएम की ओपन तो दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब इस कंपनी के अंदर इस वाउचर की एंट्री किसी कीमत पे भी नहीं होगी। आई होप कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि हमें दोनों में से किसी एक कंपनी का नाम उस कंपनी के अंदर होना चाहिए नेम ऑफ कंपनी के अंदर, या फिर आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है भी आप इस वाउचर को देख के एक नई कंपनी क्रिएट करो और फिर इसकी एंट्री करो। तो आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले आपकी उस कंपनी की थोड़ी सी प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए भी जो हमारे से बात पूछी जा रही है वो हम स्मार्ट ट्रेडिंग की तरफ से पूछी जा रही है या फिर वो सुरेश ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से पूछी जा रही है। अगर वो सप्लायर्स मतलब जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो ये बात बोल दे
भी हमारी जो कंपनी है वो स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है। तो इसका मतलब क्या बना, आपको स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के नाम से टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी और वहां पर आपको सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम से सेंट्रल डेप्टर के अंदर लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर इंटरव्यू ये बात बोल दे भी हमारी कंपनी का नाम सुरेश ट्रेडिंग कंपनी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी और वहां पर उस कंपनी के अंदर आपको स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा अंडर सेंट्रल क्रेडिटर में, क्योंकि सुरेश ट्रेडिंग कंपनी स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी से गुड्स है जो परचेज कर रही है। यानी कि अब ऐसी स्थिति के अंदर स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है जो सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक सप्लायर है और सप्लायर को हम हमेशा सेंट्रल क्रेडिटर में रखते हैं। और इसी तरीके से अगर इस वाउचर को बोल दिया जाए आप विजय ट्रेडिंग कंपनी के नाम से कंपनी क्रिएट करो, तो आपको विजय ट्रेडिंग कंपनी के नाम से तो कंपनी क्रिएट करनी है और उसके अंडर में आपको स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक लेजर क्रिएट करना है अंडर में सेंट्रल डेप्टर्स। अगर आपकी कंपनी सेंट्रल स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अगर बोला जाए तो उस स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के अंदर आपको विजय ट्रेडिंग कंपनी का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा अंडर में सेंट्रल क्रेडिटर, और ये आपका परचेज वाउचर के अंदर जो एंट्री होगी। आई होप कि आज की इस क्लास से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कमेंट के अंदर अच्छा सा रिप्लाई देने की। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करना।